इतने गरीब आके नहीं नहीं इतना था इतना गरीब आके हार गए. Now I can see, I feel you. Yes. जब ये हॉस्टल गई तो मेरी फट रखी थी, तो मैं अगले दिन फिर नहीं चाहता था कि मैं से फिर से हॉस्टल में देखूं. मैंने मेहनत भी थोड़ी कम करी, मैं साफ बोलता हूं. क्या बात कर, क्यों हारे तो सही लेकिन दिग्विजय के सामने हारे, उसके बारे में कुछ बोलना है यार. Hi guys, this is your insider Amir of Cupid, और आज मेरे पास है सिवेत और अनिका, जो फिनाले के इतने गरीब आके नहीं नहीं इतना था इतना गरीब आके हार गए और फिनाले तक नहीं पहुंचे. Now I can see, I feel you. Yes. feelings बहुत ही अच्छा है. Same feeling. Feelings, I can feel you. But मतलब strong contender थे वो, तो थे सब, तुमको strong तो मानते थे और हम भी मानते थे. देखो जैसा गलत क्या हुआ चैलेंज में, कुछ नहीं गलत हुआ यार. It's all about luck. वो दो बार बॉल उससे लगी भी पर टूटा नहीं. बहुत ज़्यादा नेक टू नेक था, मतलब हम लोग जब ड्रम पे रोल कर रहे थे तब भी हम लोग साथ में थे, हम लोग ऊपर जब चढ़े तब भी हम लोग साथ में थे और बॉल्स भी हम लोगों ने साथ में मारी, बट लक. मैं बता दूं गलत क्या हुआ, इट वॉज नॉट रिटन कि मैं आगे जाऊँ. वो एक दो चीज़ होता है, किस्मत और मेहनत. मेहनत तो हो गया, मैंने मेहनत भी थोड़ी कम करी, मैं साफ बोलता हूँ. क्या बात कर, क्यों? अरे मेहनत इन द सेंस की वो होता है ना, आपको जीतना है तो एक भूख होनी चाहिए अंदर, वो शायद स्टार्टिंग से नहीं थी और मैं जब मिडवे आया उसके बाद आई कि हाँ जीतना है मुझे, परफॉर्म करना है. नहीं बोल रहे. सुन मैं तो आता हूँ, ये हाथ में मेरी ट्रॉफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. जीत गया. मैं जीत चुका हूँ. मैं जीत चुका, मेरा हो गया है, मेरे को क्या और क्या चाहिए. बट स्टिल यार उसके हाथ में जब लगी थी मेरी फट गई थी. हाँ. जब ये हॉस्टल गई तो मेरी फट रखी थी, तो मैं अगले दिन फिर नहीं चाहता था कि मैं से फिर से हॉस्टल में देखूँ. तो मैं बार बार सुबह से कह रहा था कि नहीं करते परफॉर्म, रहने दे. बट नहीं, मैडम जिद्दी है, एक इंजेक्शन दो गोली खा के इन्हें करना था. वो इनके पास वो भूख था, तुम्हारे पास नहीं था. यार सी, जब आपके खुद के लगी होती है ना तो आपको उतना नहीं होता, पर जब आपको किसी ऐसे को लगी है कि जैसे आप पसंद करते हो तो डर आ जाता है अंदर कि नहीं यार फिर से नहीं. हारे तो सही लेकिन दिग्विजय के सामने हारे, उसके बारे में कुछ बोलना है यार. कोई नहीं यार, उसकी किस्मत थी. जीतने दो. नहीं नॉट जीतने दो, ठीक है, ही प्लेड वेल, उसकी उसकी किस्मत में लिखा था आगे जाना. और उसके मैं सच बताऊँ तो उसके अंदर भूख भी थी. वो जब जब वो पिछले शो में गया था, तो जब आप मैं तो फिनाले में था तो उतनी नहीं थी कि चलो मैं एटलीस्ट कहीं तक पहुँचा. उसके अंदर थी कि मैं जितना डिजर्व करता था उससे बहुत पहले निकल गया, तो अंदर एक रेज होती है कि हाँ भयंकर परफॉर्म करना है. नहीं अच्छा मैं हुआ, मेरे को मैडम मिल गई, उसका तो मैडम भी चली गई थी, उसका प्यार भी चला गया था, तो वो एंगर अंदर आ जाता है और वो एंगर दिखा उसका कल, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. नाइस है, जो डिजर्व करता पहुँचता है. लेकिन आप किसको विनर देखना चाहते हो यार? वैशाली. क्लियर बोल दिया लेकिन तू थोड़ा सोच रहा है. नहीं सोचती रहा हूँ मैं, मेरा सिंपल रीजन है, जब मैं शो से बाहर गया था उस दिन भी उसने इसे सेव किया था, उससे उसके बाद भी इसने बहुत ख्याल रखा दो तीन दिन, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो जो इसका ख्याल रखेगा सिंपल मैं उसी का अच्छा चाहता हूँ. ये इसके बाद भी जर्नी है, बेबी तो आपके पास ही रहेगा. ये आप जीत चुके हो, यही रहेगी, खत्म हो, यही रहेगी. और अब मैं जितने शो करूंगा वो अकेले जाऊंगा ताकि प्यार में ना पड़ूं. बेबी बस तू पीछे से सपोर्ट करने रहना. बेबी तू तीन में चला, डेटिंग शो पे चला गया. नहीं जाऊंगा. अरे 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 कभी दोबारा से डेटिंग शो पे चला गया. कभी हां तेरे साथ चला जाऊंगा, फिक्स कर लेंगे. चल आप ही फिक्स कर लो, साथ में जाएंगे. साथ में चलेंगे. डन. टेम्पटेशन आइलैंड बुला लो. नहीं बेबी मैं तुम्हारे को किसी और के साथ पक्का टूट जाते हैं भाई. सो गाइस दिस वाज सिवेद एंड अनिका, एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग आवर टीवी सिलसिला 50.